मेरा छोटा भाई है और हमेशा इसके लिए मैं खड़ा हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहा है, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। राहुल जो सिंगर है वो भी मेरा छोटा भाई है, वंदना जिसने लिखा है, दे ऑल लाइक अ फैमिली टू मी, और बहुत अच्छा गाना है। और राहुल इज अ वेरी गुड सिंगर, आई थिंक सो अरिजीत सिंह के बाद मुझे कोई सिंगर की आवाज़ अच्छी लग रही है तो ये इसकी है। आजकल बहुत लड़कियां धोखा दे रही है मेरे भाई, बहुत धोखा दे रही है। गाने ऐसे आ रहे हैं, कबीर सिंह सुपर हिट बदनाम, अच्छा गाना है। मैं मासूम से लड़कों को बोलूंगा, मेरी जान, मेरे यारों, मेरे प्यारों, वैलेंटाइन डे के दिन अपनी माँ को लेके जाओ, अपनी बहन को लेके जाओ। ये प्यार का दिन खाली लड़की लोग के लिए नहीं है मेरे भाई, यू कैन लव एनीबॉडी, यू नो, हमारी माँ बहन हमेशा साथ में रहेगी भाई। क्या है, माँ कभी पोपटलाल कह के गए थे, लड़की बस और ट्रेन, पीछे पड़ोगे छूट जाएगी, वहीं खड़े रहो दूसरी आएगी। यार मैं तो चाहता हूँ कि असीम जीत जाए, सिद्धार्थ मेरा दोस्त है, मुझे उससे कोई जेलेसी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम मैंने खेली है ना, धीरे 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 मुझे असीम अच्छा लगने लग गया यार। अब असीम के साथ इतना डिफेम किया जा रहा है उसको, अरे वो तो बच्चा है यार, अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला पे कितने पुलिस केस है, मेरे पे भी है, मैं कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे उसके अफेयर्स भी रहे, वही चीज़ों पे आप क्रिटिसाइज कर रहे हो असीम को, विच इज नॉट फेयर, वो तो बच्चा है यार। आपने एक पीक देख लिया, सिद्धार्थ ने सब देख लिया, सीरियल में भी उसने पीक पे रहा, फिल्में भी की, रियलिटी शो भी किए हुए उसने। असीम इज अ न्यू बॉय जो अपने दम पे आया है, सिद्धार्थ भी अपने दम पे आया, लेकिन असीम एक 24 साल का एक बच्चा है जिसने पूरे शहर को और दुनिया को, अब तो जॉन सीना को भी पागल कर दिया है, मुझे भी अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि असीम जीते शो। अरे गेम है भाई, गेम है, घर में बैठे रहोगे क्या चुपचाप, कुछ तो करोगे कि नहीं, पोक कर रहा है तो तू रिएक्शन मत दे, खाली असीम पोक कर रहा है क्या उसको, उसको तो जाके कोई कुछ बोले तो सभी पोक कर रहे, अपना भाई एकदम चिड़ेला है। आप देखिए बिग बॉस इतना 22 आदमी है, मैंने अली को ऐसे धक्के मारे थे मुझे निष्कासित कर दिया था, अभी तो यहाँ पे कुछ भी हो रहा है तो कोई निष्कासित नहीं कर रहा है, मैं एकलव्य हूँ बिग बॉस का, मेरा अंगूठा ले लिया था इन्होंने, लेकिन अभी कुछ भी करो, मारो, धक्के दो, उंगली तोड़ दो, माँ को बोल दो, बाप को बोल दो, कुछ भी कर लो, मेंटोर को अंदर बुला के सफाई करवा लो, भैया नया बिग बॉस है और पब्लिक को ये सब पसंद भी है, देखो ना जनता की डिमांड है भाई, आजकल लोग दूसरों के घर में झांकने की बहुत आदत है। मुझे तो ये बिग बॉस में ऐसा लगता कोई रूल्स ही नहीं थे, अब आगे के बिग बॉस में क्या होगा मुझे पता नहीं। अभी कम लोग बचे ना तो दिखेंगे ना यार। नहीं रश्मि ने भी अच्छा गेम खेला यार, लेकिन अभी जब वो असीम को छोड़ के सिद्धार्थ के पास गई, बड़ी बिचारी सी लगी, और रश्मि तुम मुझे बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद भी एक लड़का तुम्हारा साथ दे रहा था, तुमने उसको छोड़ के, तुम्हें लगा कि ये सिद्धार्थ घर का किंग है, इसके बाद चली गई तुम बाहर, बड़ी गंदी लगी हो तुम, सॉरी बुरा मत मानना, बहुत गंदी लगी हो आप, एक लड़का आपको सपोर्ट कर रहा था आप उसको छोड़ के, वेरी बैड। भाई बंद कर दोगे क्या भाई, एक मिनट, थैंक यू भाई। भाई मेरी एक फिल्म आ रही है तुझे सलाम इंडिया, एक अभी आई थी गुलमकई, एक आने वाली है भाईजान, और अभी एक म्यूजिक वीडियो दो मैंने डायरेक्ट भी किया है अपने छोटे भाई को लॉन्च किया, कहाँ है बॉनी, आ जा। इज माय यंगर ब्रदर गाइस, वेलकम हिम, इसका नाम बॉनी है और बहुत जल्दी इंशाल्लाह अभी इसका म्यूजिक वीडियो भी आने वाला है और बहुत सारी जगह आपको दिखाई देगा। भाई लकी है भाई यार, सलमान भाई लकी है, मतलब माशाल्लाह, सिंगल ही रहना बेटर है मैं तो बोलता हूँ।
भाई बहुत खुश हो आप, अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे, हमेशा खुश रहो, आई लव यू। और आप जब भी कुछ लेके आते हो तो माइंड ब्लोइंग लेके आते हो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, थैंक यू। बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा गाना, तो फर्स्ट टाइम पे मुझे पसंद आ गया था जब मैं फर्स्ट टाइम मिलने गया था राहुल सर से। और ये भी इत्तेफाक ऐसे हुआ, राहुल सर से मीटिंग म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हुई, और इत्तेफाक से जब मैं राहुल सर को जानता नहीं था कि राहुल सर कौन है, तब राहुल सर की आवाज़ में को गाना अच्छा लगा था, तेरे से यार कहाँ, जहाँ से हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई। सो हम लोग का जो फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो था हम लोग के यूट्यूब चैनल के लिए, तेरे जैसा यार पे हम लोग बनाए थे एक म्यूज़िक वीडियो जो बहुत ही फेमस हुआ था आज से दो ढाई साल पहले। वो फर्स्ट यूट्यूब वीडियो था हम लोग का, तो वो वीडियो हम लोग बनाए थे, हम लोग को पता नहीं था कि सिंगर कौन है। बाद में वो वीडियो इतना ज़्यादा वायरल है तो म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए हम लोग राहुल सर से मिले, तो राहुल सर बोले कि ये मेरी आवाज़ है, तो मेरे को अच्छा लगा, मैं तारीफ़ किया राहुल सर की। तो फिर राहुल सर बोले कि और भी म्यूज़िक वीडियो करना चाहते हैं, तो मैं बोला कि हाँ मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, तो ये गाना सुना है मेरे को अच्छा लगा। तो ये पूरी तरीके से तो नहीं बोलेंगे, पार्टली बोल सकते हैं। और ये जैसे कि हर गाने के ज़रिए एक पॉजिटिव मैसेज रहता है, अभी तक का जितने भी, जैसे कि एक नज़र ना लग जाए किए थे ग्रुप सॉन्ग, उस पर भी एक मैसेज था। हवा नदी किए थे जिसमें कि बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ भी थे, अक्षय कुमार सर, दिया मिर्ज़ा और भी बहुत सारे लोग थे, तो उसमें भी एक पॉल्यूशन के लिए एक मैसेज था, पॉल्यूशन फ्री करने के लिए। और ये वो आशिक लोग के लिए, जैसे कि वैलेंटाइन डे आ रहा है तो बहुत से लोगों के दिल जुड़ेंगे, बहुत से लोगों के दिल टूटेंगे भी। तो दिल टूट के जो थोड़ा डिप्रेशन में चले आते हैं, नशा करते हैं, तो ये उन लोग के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। तो वो छोड़ के उतना ही हार्डवर्क से, जैसे कि वो दूसरी चीज़ों में करते हैं, उतना ही हार्डवर्क अगर वो अपने काम पे और अपने फ्यूचर पे अगर डेडिकेट करेंगे, अपने हार्डवर्क करेंगे, तो अच्छा गोल अचीव कर सकते हैं। ये देखो नाम लिया आ गए। हेलो गाइस, मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी राहुल सर। और कैसे हो? देखा आप लोगों ने वीडियो देखा? अदनान के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया, बट ऑनेस्टली दिक्कत काफ़ी आई शूट में, क्योंकि इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। मुझे लगा था मेरे फैंस भी मिलेंगे, बट मेरे फैंस नहीं मिले मुझे गलियों में। बट अदनान की फ़ैन फॉलोइंग, हम लोग कार से उतरते थे, वी शॉट दिस वीडियो इन दिल्ली, हम लोग कार से नीचे उतरते थे, चाहे कोई भी हो, मतलब हर कोई जानता है इसे, सब लोग इसके पास आते थे फ़ोटो खिंचाने के लिए, वीडियो लेने के लिए। लाइक वी वर शूटिंग इन अ स्लम एरिया, छत पे हम लोग शूट कर रहे थे, आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको दिखेगा, चारों ओर पब्लिक थी, एंड देवर जस्ट वेटिंग कि कब मौका मिल जाए और कब हम इसके साथ एक फ़ोटो खिंचा लें। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, मैं बताया हो तेरे से यार वाली शूट। अच्छा अच्छा, वो ओके ओके। तो वही टाइम पे, उसके बाद में अभी रिसेंटली मेरे को मालूम पड़ा वो चीज़, मैं हम लोग दोस्तों में डिस्कस कर रहे थे, मैं एक सेकेंड और म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहा था मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, वो आधे अधूरे में रुक गया था, तो ये भी 2 साल पहले की बात है। करेक्ट करेक्ट। और वो भी इत्तेफाक से आपका ही गाना था। अच्छा। वो एक गाना है ना, तुझे पाया नहीं है फिर भी खोने से डर रहा हूं, दैट्स आल्सो माय सॉन्ग, वो भी बहुत ही अच्छा गाना है। सो बहुत अच्छी स्टोरी है, हाउ वी मेट इन अ कैफे, जहाँ पे अदनान ने मुझे रिकॉग्नाइज किया और बोला कि यार मैं वायरल ही आपके गाने के थ्रू हुआ था, तो मैंने सोचा लेट्स डू अ वीडियो टुगेदर, एंड टुडे इज द रिजल्ट, आज गाना यूट्यूब पे है एंड इट्स डूइंग रियली वेल। जी, सो आइडिया यही था कि मेरी ज़िंदगी में भी हार्ट ब्रेक हुआ है, अदनान की ज़िंदगी में भी हार्ट ब्रेक हुआ ही होगा, आप लोग यहाँ पे, आपकी ज़िंदगी में भी हार्ट ब्रेक हुआ होगा। बट क्या होता है कि जिसका भी हार्ट ब्रेक होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, नेगेटिविटी की ओर चला जाता है, ड्रग्स में चला जाता है, या गलत संगत में चला जाता है। सो बेसिकली गाने के थ्रू यही बताया है कि आप इसे एक पॉजिटिव वे में लें, और जैसा कि अदनान करता है, कुछ एक नया अप्रोच करता है, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, वीडियो एक बनाता है और जो वायरल हो जाता है, एंड वी हैव शोन कि ये किस तरीके से एक बहुत बड़ा स्टार बन गया।
सो आई थिंक वही एक स्टोरी है कि हमें हर चीज़ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालना चाहिए और बहुत नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज इज लाइफ. अभी तो इस पे देखते हैं लोगों को कितना प्यार मिलता है, आप लोगों का कितना सपोर्ट रहता है लोगों का. पैसे तो कमेंट्स पढ़ गए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है. मेरा आज तो आधा दिन तो ऐसे लग रहा है कमेंट्स पढ़ने में चले गया. मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा था. मतलब एक होता है कमेंट, एक होता है कि एक लाइन का, फिर एक होता है कि जो पूरा गाना नोटिस करके एक एक सेकेंड का मतलब कमेंट करता है, इतने इतने बड़े बड़े कमेंट्स, तो बहुत अच्छा लगता है. और ऐसी और क्रिएटिविटी का कि लोगों को और कुछ नया कुछ अच्छा ला के देने का मन कर रहा है. और जैसे कि ये तो आप कुछ ही दिन बाद एक और सरप्राइज़ आने वाला है, पूरे ग्रुप का एक गाना आने वाला है इसमें, जो मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ. हाँ पता चल गया बाहर. जी आ ही जाता है, नज़र में आ ही जाता है. ना भी करो तो बिग बॉस एक ऐसी चीज़ है, सब सुनने को मिल जाता है, देखने को भी मिल जाता है. चेस आई एम फॉलोइंग इट. हाँ थोड़ा बहुत मतलब उतना नहीं. आसिम पूरी टीम जो है मैंने, आसिम आई लाइक आसिम टू. आसिम और शहनाज़ गिल, शहनाज़ गिल का बात करने का तरीका लोगों को मेरे ग्रुप में, वो बहुत क्यूट है. सच बोलूँ तो उतना नहीं पता, मैं तो पूरा शो तो फॉलो नहीं करता हूँ, पर ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और टिकटॉक पे जो छोटे छोटे वीडियोस वायरल होते हैं शहनाज़ गिल के और आसिम के, जो टास्क वगैरह के होते हैं. आसिम तो मेरे को टास्क की वजह से पसंद है, क्योंकि मैं भी एशियो स्पेस में था, खाली एक ही ग्रुप टास्क था जो मैं हारा था, बाकी हर एक टास्क में जीता हूँ. तो जो डेडिकेट, जो डेडिकेशन से वो टास्क परफॉर्म करता है और जीतता है, और तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है उसमें. ये आसिम का शो है. ऐसा नहीं है, मतलब सबका इनपुट तो रहता ही है वैसे, पर इट्स एन एंटरटेनमेंट थिंग, बहुत मजा आता है. थैंक यू सो मच. अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा गाना है. एंड सीइंग अ गाय जिन्होंने अपने फ्रेम से हटके दूसरे फ्रेम में काम किया, सो बहुत ही प्यारा लगा. और गाने से बहुत सारे मैसेजेस भी मिल रहे हैं, और गाना इट्स अ लव सॉन्ग, सो इट्स लुकिंग वेरी नाइस. मतलब बहुत अच्छा लग रहा है. अदनान को देख के मैं बहुत खुश हुआ, एंड जुनेद को भी देख के बहुत अच्छा लगा उसके अंदर. एंड दे हैव वर्कड रियली वेरी नाइस. और गाने के लिरिक्स वंदना मैम लिखे हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लिरिक्स है और लोग उससे रिलेट कर सकते हैं, ऐसे लिरिक्स है, तो बहुत ही पावरफुल लिरिक्स है. क्रेडिट गोज टू वंदना मैम. थैंक यू सो मच. पार्टली पहले डिस्क्लेमर अपने दिया हुआ है. आइडिया वॉज कि हार्ट ब्रेक तो बहुत होते हैं, तो एक मैसेज था यूथ के लिए, बिकॉज जनरली क्या होता है कि पीपल गेट इन टू लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स. तो अदनान इज़ वन एग्जाम्पल कि इस एज में यू नो आप अपनी पॉजिटिविटी से आप अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं. सो दैट इज दैट वॉज द इंस्पिरेशन. तो या बहुत सारी है ऐसी खूबियाँ. शेर है वो, यस ही इज अ टाइगर पर्सन, लायन पर्सन, जैसा वो क्वालिटीज होती है ना, थोड़े टाइम के लिए स्लो होगा, पीछे होगा, बट पीछे होने का ये मतलब नहीं होता है कि अदनान स्टॉप हो गया, वो जंप करेगा और बड़ा जंप करेगा, वो ऐसा होता है हमेशा. एंड रिसेंटली एस ऑफ स्पेस में उसको देखे तो हम लोग ने देखा कि इंसान अपने दिमाग पे कैसा कंट्रोल करके सब चीज़ें वहाँ पे टास्क एंड ऑल, ही डिड इट वेरी नाइसली. सो अगेन हैट्स ऑफ टू यू ब्रो. थैंक यू. मैं तो नहीं रह सकता अंदर भाई साहब. वेरी टैलेंटेड, वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी हार्डवर्किंग, दैट व्हाट मैटर्स. सबसे बड़ी खूबी है उसका ग्रैटिट्यूड. एग्जैक्टली ग्रैटिट्यूड, वो जहाँ भी जाए
ही वोंट कैरी दैट एटीट्यूड बट ही विल कैरी ग्रेटिट्यूड. तो ये जो की वर्ड है ना वो अदनान को डिफाइन करता है. एग्जैक्टली. जितने भी लोग ये गाने में है कोई भी एक छोटे से छोटा हिस्सा कैमरामैन से लेके एडिटर हो गया वंदना मैम राहुल सर अभी भाई जुनेद भाई और भी जितने भी लोग हैं हनी जो बच्चा है महक और मैं पूरी टीम को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा और बहुत ही अच्छा लगा काम करके और कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है और ये इसका पूरा फल ऐसा लग रहा है कि ये मेरे कमेंट्स आ रहे पर मेरे तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ पूरी टीम को. पूरी टीम अगर इतना मेहनत नहीं करती इतना अच्छा इनपुट नहीं देती अपना तो शायद इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता सर. वंस अगेन थैंक यू सो मच टू टीम बदनाम. बहुत अच्छा लगता है और यूनिटी स्ट्रेंथ यही बचपन से सीखा है तो ये जब नर्सरी जब प्राइमरी में थे तब ये सिखाया था हम लोग को तो वो टाइम से ये माइंड में है. वो एक कहानी भी थी ना बंडल वाली एक लकड़ी देते हैं तो टूट जाती है तो ऐसे ही साथ में रहने का और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं और सबको लेके साथ में आगे बढ़ रहे. वेरी गुड. राहुल सर अभी भाई मेरी बैकबोन है पूरे टाइम मेरे हर जगह मेरे शूट से लेके हर एक चीज़ के लिए. हाँ तो भाई भी अगर नहीं होते तो मेरा कांटेक्ट भी नहीं हो पाता जुनेद भाई से और साहिल से भी नहीं हो पाता. तो नहीं ऐसी बात नहीं है अगर मैं इन तक जुड़ा हूँ तो इनसे जुड़ा हूँ इनकी वजह से मेरा इनसे कॉन्टेक्ट हुआ है. सपोर्ट की बात नहीं दोस्ती में अगर सपोर्ट करना बोले तो फिर ये बात दोस्ती मतलब नहीं रहेगा ना. क्या बात है अभी क्या बात है. मैं तो बस यही बोलूँगा गाना बहुत ही प्यारा है लिरिक्स स्पेशली देन भाई आपकी आवाज़ तो हम लोग पहले से फैन है आपकी आवाज़ की. शुक्रिया. एंड आपके जो भी गाने रहते हैं वो ऐसा नहीं कि गाने 10 मिलियन 15 मिलियन 20 मिलियन गए और रुक जाते दूसरे गाने की तरह आपका बस चलते रहता है. तो ये जो चलते रहने वाला सेशन है ना और अदनान आ गया उसके अंदर तो फिर ये फिर हम लोग दुआ करेंगे आप चलते ही रहे चलते ही रहे. आवाज़ है जैसे कि तेरे से यार कहा जो शूट किया था वो भी आ चुका अक्की. तो अभी ये बताएगा कि तेरे से यार कैसे शूट किए थे हम लोग. ये है जो हम लोग का शूट किया ये राहुल से जो गाना गाए ये शूट किया था. अभी ये बताएगा हम लोग जो राहुल सर के गाने पे वीडियो बनाए थे जब हम लोग राहुल सर से मिले नहीं थे तो हम लोग शूट कैसे किए थे थोड़ा बताओ. एक्चुअली सब कुछ एकदम अचानक हो गया था. फर्स्ट टाइम मैं अदनान भाई से मिला था और उसके बाद फिर हम लोग ने शूट वगैरह किया. शूट कैसे किए मतलब डरते कैसे थे कि कोई देख लाने परमिशन नहीं रहती थी लेकिन गिम्बल भागते थे. कुछ भी नहीं था कुछ भी मतलब एक गिम्बल था और एक DSLR 200D. मैं मतलब सोचा भी नहीं था इतना सब करेंगे बट करते गए. बहुत मुश्किल होता था पर अदनान भाई हमेशा बताते थे ये करो वो करो तो अभी हो गया. बहुत मुश्किल से किया. बहुत ही बहुत नर्वस एकदम आया है नर्वस सीधे इतने सारे कैमरास के सामने. एक और चीज ना राहुल सर को नहीं पता मैं बताया था. दूसरा वाला कौन सा काम है हम लोग राहुल सर का वो जो राहुल सर को नहीं पता है. नहीं, तुझे पाया नहीं एक्चुअली हम लोगों ने सब कुछ डिसाइड कर लिया था. आधा शूट भी हो गया था वो मेरा अभी भी पड़ा है मतलब रखा हुआ है तो मैंने बोला वो गाना भी शूट कर लेंगे जल्दी करेंगे. आपका सॉन्ग बहुत लकी है हमारे लिए हमारा मतलब लाइफ चेंज कर दिया उस सॉन्ग ने. वो एक सॉन्ग से हम लोग का टर्निंग पॉइंट हुआ जो राहुल सर का गाना था तेरे से यार का वहाँ से हम लोग की जर्नी का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ है. वो वीडियो हम लोग बनाए थे और वो जो रोल है सद्दू का वो रोल था हसनैन का पर हसनैन जैसे आप लोग को पता है एज यूजुअल वो बहुत सोता है तो वो उसी में रोल हो गया था. तो सद्दू वहाँ से नीचे नींद में आग नीचे हुए नीचे से जा रहा था मेरा कहाँ जा रहा है बोलता है जा रहा हूँ दूध लेने. तो पहला जल्दी रेडी हुआ तो हसनैन का रोल सद्दू को मिला नहीं तो वो जो सद्दू का कैरेक्टर है वो हसनैन का था. हाँ. तो उसको विलन बना दिया. टाइम पे विलन बना दिया. सर आपने गाना गा दिया आप गाना गाएंगे तो राहुल सर ही गाएंगे ये मेरी हम लोग की आवाज है. सब लोग मिलकर गाएंगे उसके बाद हम लोग सुर ताल को सब देंगे आगे तेरे इसमें गाएंगे खाली हां फुरकान गाएगा उसके बाद फुरकान गाएगा अकेला गाएगा फुरकान मेरा भाई. नहीं ये पहले अकेले गाएगा ये पहले 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 अकेले ये पहले अकेले गाएगा
बहुत क्यूट आवाज है इसकी. सो प्लीज 1 3 2 1 कम ऑन. अरे यार देखो नहीं 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 चल डरिए मत. डन 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 बिंदास चल सर तेरे इसमें पत क्या है. हां तेरे इसमें चल थ्री साथ में 3 2 1 तेरे इसमें पटराम हुआ तेरे इश्क में मेरा राम हुआ. थैंक यू. अब अच्छे से गाते हैं और बहुत अच्छे से गाते हैं. ताल में अच्छे से गाएंगे. इबादतों से भी बढ़ के तेरी चाहतों का सरमा हिफाजत में गई है जब मैंने तुझको है पाया. मुझसे हर खुशी तेरे इश्क में बदनाम हुआ. तेरे इश्क में मेरा नाम हुआ. तेरे इश्क में बदनाम हुआ. तेरे इश्क में मेरा नाम हुआ. क्या बात है. आगे का सॉन्ग YouTube पर. थैंक यू. ये बहुत ही एक अलग है. राहुल भैया ने उसको गाया है बहुत ही अलग वॉइस में. तो वो जो वाइब है आपकी, आप क्या बोलना चाहोगे इस गाने को लेके? ये गाना इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा. इंशाल्लाह वो बहुत ट्रेंडिंग पे जाएगा और कामयाब होगा. थैंक यू. बस आप बोल दिए मेरे लिए. और कोई वो जो मैसेज आप बोल रहे थे बैक स्टेज? और मैं तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे बच्चे को इतनी तरक्की देगी, सलमान भाई की घंटी बज जाए अदनान के मोबाइल पर. जी मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ जिस तरह वो इस तरह बच्चा हर एक माँ बाप को अल्लाह ताला दे, ताकि वो हर परेशानी में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उसने मेरा साथ दिया और हमेशा मेरा साथ रहा. और उसकी मेहनत से ही आज वो इस मकाम पर है. अल्लाह इसको और तरक्की देगा इंशाल्लाह. स्टार्टिंग में पता नहीं था बगो छोटा भाई भी है यहाँ पे अब्दुल. और एकदम राइट टाइम पे है. एकदम राइट टाइम पे. चलो अरे अरे कुछ नहीं. चलो ठीक है. यस 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 डोंट गो. अदनान मेरा बहुत स्ट्रांग है. बहुत स्ट्रांग है ये शेर है मेरा और मुझे इससे बहुत उम्मीद है. और आप सभी लोगों की दुआएं हैं मेरे बच्चे के साथ. मैं समझता हूं कि जितने व्यूअर्स देख रहे हैं सब लोग बहुत प्यार देंगे और इसकी कामयाबी में सब लोग कोऑपरेट करेंगे. और मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके अल्लाह ताला मेरे सलमान भाई की घंटी इसके मोबाइल पे बजा दे. स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट किया था तो बहुत डांट सुनता था, टेलीफोन में लगे रहता था. अब्बा को पता नहीं था ये क्या है. मुझे पता था जैसे कि बाहर के मैं इन्फ्लुएंसर्स लोग को स्टॉक करता था. मेरे को पता था ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना आने वाला है, तो मैं अपने सोशल मीडिया बेस स्ट्रॉन्ग करने लगा था. तो पहले अब्बा बहुत डांटते थे, अब्बा को पता नहीं था. तो बाद में धीरे धीरे जब लोगों का रिस्पॉन्स देखे, अब्बा सूरत गए थे तो वो टाइम पर देखे अब्बा वहाँ पर फेम, तो लोग आके मतलब इतनी रिस्पेक्ट कर रहे और फ़ोटोज़ निकाल रहे, तो अब्बा उसके बाद से बोलना बंद कर दिए तो और सपोर्ट करने लगे. तो बस जो भी है अब्बा मेरे को सपोर्ट किया. पूरा बैकबोन अब्बा स्टार्टिंग से अभी तक का थे और अब्बा के वजह से बहुत किया. ऐसा ऑफ स्पेस में तो मैंने गाना गा के सुना दिया. आज भी सुनाना होगा. आज क्या सुनाएंगे? बदनाम. आज ये सुनाएंगे कि करम निगाह ने मुझ पर किया, किया ना किया, सहारा मुझको किसी ने दिया, दिया ना दिया, आखिरी वक्त है आ जाओ दो घड़ी के लिए, मरीज इश्क का क्या है, जिया जिया न जिया, और ये क्या कम है चले साथ साथ, मैयत के गरीब जान के कांधा, दिया दिया न दिया. क्या बात है. किंग मेकर. इसका गाना ये हफ्ते ही शूट होएगा
मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता मैं, मगर बहुत ही जल्दी है, 4-5 दिन के अंदर ही शूट होएगा और एक ही दिन में मैं शूट कंप्लीट करूँगा और मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स अगर देखोगे ना आप लोग, फटका, धर्म, सब डायरेक्ट अदनान भाई करते हैं। और शूट का जो भी रहता है कि मतलब किस लोकेशन पे जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो चीज़ ऐसे डायरेक्टली नहीं करते, वो चीज़ सिस्टमेटिकली एक रात पहले या 2-3 दिन पहले उसकी तैयारी करके बुक में लिख लेते हैं पहले कि कल सुबह उठेंगे तो इतने बजे यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, और सेम चीज़ वो अगले दिन कंप्लीट कर ही देते हैं और करके ही छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हुआ तो बस पैकअप और चलो, वो चीज़ करके ही छोड़ते हैं। पर ये वाला बहुत ज़्यादा ही 3 महीने खाली म्यूज़िक के लिए लगा, तो अब समझ जाओ आप लोग कि म्यूज़िक क्या रहेगा। ये ऐसे रहेगा कि लोगों के पैर ही नहीं रुकेंगे, ये इतना अच्छा पार्टी सॉन्ग है। और बहुत 3 महीने से 5-6 कंपोज़र, म्यूज़िक कंपोज़र मैं चेंज किए क्योंकि बेस्ट म्यूज़िक के लिए। तो अभी डन हो गया है, फाइनल रिकॉर्डिंग भी हो गई है, अब बस शूट करना बचा है। तो 4-5 दिन के अंदर शूट होगा, इसमें हम लोग 5 हैं, मैं, हसनैन, फैसू, सद्दू, फैज़ बलोच, ये और भी बहुत सारे नए टैलेंट हैं, पर जिन लोग को प्लेटफॉर्म नहीं मिला है वो रहेंगे। तो वो नेम क्या रहेंगे वो आप लोग को गाना आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जब हम लोग का इतना अच्छा बेस है तो यंग टैलेंट को मैं प्रमोट करूँगा जिनके व्यूवर्स नहीं है उतने कम है। तो बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को ये गाने में। बदनाम पे ही कुछ करेगा चलेगा, बट मैं बदनाम लिरिक्स बदनाम के ऊपर नहीं लिखा हूँ, मतलब ऐसे सैड सॉन्ग्स में नहीं लिखा हूँ। आज स्टार्टिंग का 4 बस वो बोल देना जो खुद की लाइफ पे लिखा है, दूसरी कॉलेज वाला वो गाना। अच्छा, जो अपनी लाइफ पे लिखा हूँ 4 बस आई आर भी कॉलेज में नॉलेज से बदला वही पहली वाली कला को मैं फिर से आज पकड़ा, उस पर काम करके शाम करके रातों को मैं देखा मुझ में बाकी थी वो बाती थी जो आग जैसे बड़का लड़का हो गया था, जिद्दी लिखी बातें जो सुनाना था ना भाई को ना किसको बोला खुद से ही बनाना था, पर पैसों की कमी थी छोड़ो फिर भी मैंने ठाना था। जो मैं पूछना चाहूँगी, स्पेशली यहाँ पे अदनान है, यहाँ पे राहुल जैन है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि इस बदनाम की द मोस्ट स्पेशल मेमोरी अगर हम बोलें तो क्या है उस सॉन्ग की मोस्ट स्पेशल मेमोरी? एक एक इंसिडेंट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए ये है कि जिस दिन मैं इससे पहली बार मिला और जब इसने मुझे पहचाना और मुझे बताया कि यार यू आर द वन, जिसकी वजह से हम लोगों को एक पहचान मिली, मौका मिला, तो मुझे वो जान के बहुत खुशी हुई कि तेरे जैसा यार कहा जो गाना था जिसकी वजह से यू नो दे गॉट पॉपुलर। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मेरे एकदम दिल को छुआ था, मैंने बोला लेट्स डू समथिंग यार, अब तो और मज़ा आएगा और कुछ नया पहल का मजा आते हैं। व्हाट अबाउट यू? मुझे भी आवाज़ तो फर्स्ट टाइम ही मेरे को पसंद आ गई थी, मैं और सर को बोल दिया मेरा ये गाना कोई और नहीं करेगा, सर मैं ही करूँगा। सो आपके ही नाम से है, भाई और मैं गए थे साथ में तब सुनाए थे सर, लाइव सुनाए थे। मान भाई, हितेश भाई, सुफियान भाई, ये भाई लोग अरेंजमेंट करे, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे और जगह भी बहुत ही अच्छी है। अभी तो खाली पार्टी हो रही है, पार्टी के बाद एक और बड़ा सरप्राइज़ है, बड़ा धमाका है, हम लोग का गाना जो नेक्स्ट पार्टी सॉन्ग आने वाला है वो इससे पहले मैं इंटरव्यू नहीं बता, अभी बता रहा हूँ, वो यही शूट होने वाला है। पूरी टीम 07 का जो नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है वो आधा, मोस्ट प्रोबेबली आधा सॉन्ग ना वो यहीं पर शूट होएगा। तो इसकी लाइट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो विजिट करना चाहिए आप लोग को, फिलिया बहुत ही अच्छी जगह है। थैंक यू सो मच, वेलकम गणेश भाई, सलमान भाई, हितेश भाई, आपकी जगह है। हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं एज अ ऑफलिया टीम की तरफ से, ये हमारा नया ही लाउंज है, इसको अभी तक पूरा एक महीना भी नहीं हुआ है और उसी बीच में हमारे अदनान भाई हमारे फैमिली फ्रेंड है, तो उसी बीच में ऐसी बात हो गई कि इनका जो सॉन्ग आ रहा है वीडियो उसको लॉन्च करने की बात हुई, तो हमने फोर्स किया अदनान जी को कि हमारे यहाँ पर ही करना है और अगला जो आपका वीडियो आ रहा है, जगह जब देखी अदनान भाई ने तब ऐसी बात हो गई कि अगला वीडियो जो आ रहा है वो भी यहीं पे शूट करेंगे, इतनी अच्छी लाइट्स लगी इनको। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी टीम बनाकर कुछ लोगों को एंटरटेन कर पाए और बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे शूट करने, देखते हैं अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने ट्रैक सुना और देखा बदनाम, तो मुझे लगा कि इसमें अदनान कुछ ऐसा करने वाला है कि वो बदनाम हो जाएगा, जैसे मुन्ना बदनाम हुआ, मुझे लगा था आज अदनान भी बदनाम हो जाएगा, तो बट मैंने जब ट्रैक सुना तो लाइक
मुझे ऐसा लगा कि सेकंड कबीर बेदी, वो जो कबीर सिंह, कबीर सिंह, मुझे ऐसा लगा सेकंड कबीर सिंह, टिकटॉक का कबीर सिंह मुझे दिखाई दिया उसके अंदर। एक्जेक्टली वो अभी तक जैसे अदनान दिखे हैं वो बहुत अलग दिखे हैं अपने इस सॉन्ग में, और वो अलग चीज बहुत पसंद आ रही है सबको और हमें। एग्जैक्टली जो सॉन्ग है वो अदनान से, अदनान की पर्सनैलिटी के ऊपर भी जा रहा है और अदनान से रिलेट भी लोग कर पा रहे हैं फॉर श्योर। एंड जो स्टोरी लाइन है वो बहुत अच्छी है सॉन्ग की, और जो अदनान का एक जो एग्रेशन वाला लुक है वो भी उसमें दिखने में आ रहा है। इतना अच्छा एक्ट किया कि लोगों को लग रहा है वो वही है, ये हो सकता है कि उन्होंने इतना अच्छा। अदनान इज रॉक स्टार, आई नो। ब्यूटीफुल, वेरी सोलफुल, मुझे तो बहुत पसंद आई उनकी आवाज। रॉक स्टार ऑल्सो, मुझे बहुत रॉकिंग और सोलफुल दोनों लगी एक्चुअली। जिस तरह से मैंने अभी उन्हें बोला कि आपका जो लुक है वो सॉन्ग से बिल्कुल अपोजिट है, सो यार वी कैन से रॉकस्टार आल्सो, वी कैन से सोलफुल आल्सो। ओके, इसके अलावा बिग बॉस के बारे में थोड़ी बातें कर ही लेते हैं। हां जी करिए। अभी फिनाले आने वाला है, एक हफ्ते बचे, क्या लगता है कौन टॉप के लिए होने वाला है? जो भी हो आसिम तो बिल्कुल ना हो, जो भी हो लेकिन आसिम बिल्कुल ना हो। आसिम के लवर्स जो मर्जी करो मेरी बात सुनकर, लेकिन जो हेटर्स हैं उसके, मैं उसको बोल रहा हूँ कि हाँ आसिम बिल्कुल ही होना चाहिए टॉप थ्री में, क्योंकि उन्होंने गेम जरूर खेला और अच्छा खेला है, पर हमेशा लाइफ में गेम मायने नहीं रखते, इंसान का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है, जो मुझे कहीं दिखाई नहीं है। सिद्धार्थ, पारस, सिद्धार्थ प्रीति को पारस मुझे, सिद्धार्थ तो चलो मतलब यहाँ पे कोई भी हो जाए तो चलेगा। वो हर हफ्ते आपको दिखता है और हर हफ्ते बिगड़ भी जाता है, और एक्चुअली कितना लड़ेंगे, अभी इतना टाइम हो गया बेचारे को, लड़ लिए, झगड़ लिए, प्यार हो गया, अभी ठीक है दोस्ती हो गई, अभी पांच छह लोग कुछ घर में बचे हैं तो अभी उन्हें लग रहा है कि चलो दोस्ती ही सही। क्योंकि सिद्धार्थ ही फोकस होने लायक भी था इस बार। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता, और बहुत बार ये चीज़ बोली गई है, पर जब अगर आप देखते हो पूरे रूटीन में एपिसोड अगर आप देखोगे तो उस इंसान का हर रूप उसमें दिखा है, भले वो गुस्सा हो, प्यार हो, नफरत हो, एटीट्यूड हो, मस्ती हो, उसने हर चीज़ दिखाई है, और एक इंसान को वैसे ही इंसान को जितना चाहिए जिसमें सारी क्वालिटीज हो। फॉर मी लाइक सिद्धार्थ वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट एवर इन लाइक बिग बॉस हिस्ट्री अब तक का, क्योंकि सिद्धार्थ ने हर तरह का रूप अपना दिखाया है, चाहे वो एग्रेशन हो, चाहे प्यार हो, दोस्ती हो। दोस्ती आसिम से सिद्धार्थ ने तो अच्छे से निभाई थी, बाद में आसिम को वो हजम ही नहीं हुई तो फिर क्या कह सकते हैं। देखिए सर्वगुण संपन्न तो कोई भी नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई एक खामी रहती है, वो सिद्धार्थ में वो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान गलत है। पर आई थिंक वो हमेशा सही के लिए भी एग्रेशन दिखाया है उन्होंने, अगर ध्यान से सोच समझ के हम देखें उनका एग्रेशन तो सही के लिए एग्रेशन दिखाया है, कभी भी बेफजूल आसिम की तरह एग्रेशन नहीं दिखाया उन्होंने। हाँ, मतलब बेमतलब में वो किसी पे भी चढ़ जाता है, उसको पता नहीं बोलना क्या, लाइंस क्या बोलने, उसको कुछ आता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और सीरियसली जो चीज़ बोली, अभी मीडिया जब गया था बिग बॉस के घर के अंदर, तो मीडिया ने पूछा आसिम से कि आपका कौन सा टैलेंट बिग बॉस में दिखने में आया, तो हमें तो कुछ दिखा नहीं है, आपका सिर्फ एग्रेशन ही दिखा है। बॉडी बनाने तो वो आसिम का जो था ना, यो मैंने रैप किया, ये मैंने यो किया, तो मुझे भी नहीं लगता मुझे उसका कोई टैलेंट देखने में आया, ना एक्टिंग ना डांस ना सिंगिंग, कुछ उसका देखने को नहीं मिला सिर्फ करने की। अदनान का सॉन्ग है बदनाम, मुझे बहुत प्यारा लगा, सैड सॉन्ग है एंड मेलोडी है एंड एकदम अलग ही लुक है, और स्टोरी बहुत प्यारी, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। सो मुझे जल्दी सॉन्ग्स मतलब बहुत पसंद नहीं आते, बट मुझे ये सॉन्ग बहुत प्यारा लगा, मैंने सुना एंड लुक भी बहुत प्यारा लगा। सो मैं अदनान को कहना चाहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू सॉन्ग, ऑल द बेस्ट, तुम जो भी करते हो बहुत अच्छा करते हो, ऐसे आगे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करो एंड या बेस्ट ऑफ लक। और बिग बॉस हिस्ट्री का बेस्ट कंटेस्टेंट जो भी बचे हैं वो तो
सो मैंने जब ये सॉन्ग देखा तो मैं ऐसे हो गई थी, ओह माय गॉड, ये अगर रियल है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था. बट मुझे बहुत प्यारा लगा सॉन्ग. अगर ऐसा स्टोरी रियल स्टोरी है, मुझे उसको पूछनी पड़ेगी पहले, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं है. बट अगर ऐसा है तो मतलब बहुत सैड वाली बात है. बट मुझे जब मैंने सॉन्ग देखा एंड जब मैंने टीज़र देखा तभी मुझे बहुत प्यारा लगा था टीज़र. मैंने देखा मुझे तो सॉन्ग देखना है. बट मैंने सॉन्ग पहले ही देख लिया था रिलीज़ होने से पहले ही, बहुत दिन पहले, जब हम डायमंड रिंग के प्रमोशन पे जा रहे थे तभी देख लिया था. तो मुझे बहुत तभी बहुत प्यारा लगा. मुझे सॉन्ग बहुत प्यारा लगा उनका एंड ये सॉन्ग भी बहुत प्यारा है. सो मैं उनको कहना चाहूँगी बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू सॉन्ग. अभी तो डायमंड रिंग आया जैसा आप सबने देखा एंड अभी और भी नए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. सो उन सब के बारे में मैं आप सबको बहुत जल्द बताऊंगी. उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ, बहुत से है, बट मैं आप सबको बहुत जल्दी बताऊंगी. सो या फिलहाल नहीं, ऐसा कुछ भी होगा आप सबको सबसे पहले पता चलेगा. बिकॉज मेरा कुछ भी प्रोजेक्ट या कुछ भी आता है, मैं सबसे पहले मेरे फैंस को, मीडिया को ही बताती हूँ. सो उस सब के बारे में आप सबको बहुत जल्दी पता चलेगा. नहीं इस बार मैं नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं 2-3 साल से नहीं कर रही हूँ. बट मैं अगली बार आएगा तो इंशाल्लाह मुझसे हो पाएगा तो मैं देखूँगी इंशाल्लाह. थैंक यू. बहुत ही अच्छा लगा एंड मुझे ना सैड सॉन्ग्स और ये सब सॉन्ग्स बहुत पसंद है. सो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा एंड अदनान बहुत एक्साइटेड था ये गाने को लेके. उसने हमें पहले ही ये गाना सुना दिया था एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो. एंड इसीलिए पता है जब एक आर्टिस्ट दिल से काम करता है ना, वो दिख के आता है. और मुझे लगा कि मतलब ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब इन द. मैसेज तो एक्चुअली अच्छी बात होती है एंड मतलब कैसा है कि हर गाने में कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है. एंड हार्ट ब्रेक के लिए अगर देखा जाए तो मैं भी यंगस्टर्स को यही बोलना चाहती हूँ कि प्यार करो, बट एक होता ना खुद को कभी हार्म मत करना उस वजह से और किसी और को भी हार्म मत करना. एंड यस बस वही बोलना चाहूँगी. उनकी वॉइस बहुत अमेजिंग है. उनका जो फ्रेंडशिप का एक गाना था ना पहले, जो कि बहुत वायरल हुआ था टिकटॉक पर, वो भी एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं पता है कि उनका गाना है. एंड उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है. तो उनकी आवाज़ ने गाने को ऑब्वियसली एक अलग लेवल पर लेकर आया. सच बताओ मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, बट मैं टिकटॉक पर बहुत सारे साउंड्स देखती हूँ जो टिकटॉक के होते हैं. तो मैंने शहनाज का, आसिम का और सिद्धार्थ का, ये तीन नाम मैंने बहुत सुने हैं. एंड शहनाज बहुत क्यूट लगती है मुझे पर्सनली एंड आसिम भी बहुत अच्छा लगता है एंड एक्चुअली सिद्धार्थ भी अच्छा लगता है. मैं देखती नहीं हूँ, सो आई रियली डोंट नो कि कौन सब में अच्छा है कौन बुरा है, ऐसा कुछ आइडिया नहीं. आने वाला तो है आई गेस एक दो हफ्ते में ही मेरा एक गाना लॉन्च होने वाला है विद अवेज एंड इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, इट्स अ लव सॉन्ग एंड आप लोग सब वेट कीजिए, देखिए बहुत ही प्यारा सॉन्ग है. और ज़्यादा नहीं बताओगी क्योंकि आप फिर नहीं देखोगे. भाई जो सिंगर है राहुल जैन को मतलब मैं बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ. उनके बहुत सारे अच्छी म्यूजिक है. मैं डांसर हूँ तो उनकी म्यूजिक में डांस करने की अलग ही वाइब रहती है. तो मतलब पहली बात तो ये कि मुझे डांस करने के लिए एक और मेंबर मिल चुका है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदनान ने उसमें बहुत अच्छा रोल किया है. अदनान की पर्सनैलिटी सूट कर रही है द वे ही वॉज राइडिंग ऑन दैट लाइक बाइक और वो आँखों में एक वो गुस्सा लेके एंड उसके बाद एक डाउनफॉल को एक ऐसे तरीके से कन्वर्ट कर देना अपनी सक्सेस की तरफ, वो बहुत बड़ी बात है. तो नान ने लाइक एक अच्छा मैसेज दिया है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अगर मिस हैपनिंग होती है, ऐसा नहीं है कि अपने आप को आप पागल कर दो, ऐसा कुछ कर दो, आप काम करके अपनी लाइफ को एक अच्छे राह में आप लेके जा सकते हो. सो नान भाई मुझे गाना बहुत अच्छा लगा. ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड आई होप आई बिलीव कि आगे भी आप ऐसे अच्छे गाने लाते रहोगे एंड हम सभी को मिस करते रहोगे. हाँ वही मतलब बहुत से लोग होते हैं कि सिंगल होते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि कमिटेड होते हैं. जो कमिटेड है अगर वो किसी को लाइक जैसा स्टोरी में हुआ है कि वो ये क्या हो रहा है,
तो अगर इस तरीके से क्या पता आजकल की यूथ में ऐसा हो जाए तो लाइक दे कैन रिलेट टू दैट एंड हाँ एक अच्छी पॉजिटिविटी को लेके आ सकते हैं। जैसे मेरा खुद का एक ट्रैक था हार के भी जीत गया मैं, तो स्प्लिट्सविला जब मैं हारा उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि भाई कोई नहीं हार के भी जीत गया तू, एंड वही से मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ भाई एक्जैक्टली हार के भी जीत गया मैं। लाइक जो चाहता था एक साल पहले ब्रो आज वो सब मेरे पास है, जो रिप्लाई भी नहीं करते थे डीएम का आज वो सब मेरे खास है। एहसास है मुझे हर इंसान का जो भी फटी में खड़ा मेरे साथ है, एहसान है ये भगवान का मेरी माँ की ब्राइट मुस्कान है। तो मेरे लिए वो माँ की ब्राइट मुस्कान ही मैटर करती है एंड सभी के लिए, मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं टिकटॉकर्स हैं और जो इस इंडस्ट्री में मेहनत कर रहे हैं, आई बिलीव कि अगर आपकी लाइफ हैप्पी है, अगर आप खुद से हैप्पी हो, आपको जो करना था अगर आप वो कर रहे हो किसी को दिखाने के लिए नहीं, आपको वो खुद से करना था, अगर आप वो इसलिए कर रहे हो यू आर हैप्पी लाइफ स्टार्टेड ब्रो बूम ब्रो। सो अभी माइशर मैं मतलब लाइक हमने एक चीज़ देखी कि स्क्रीन में तो ठीक है बट सोशल मीडिया पे भी साथ में हम लोग काफ़ी पसंद करते हैं एंड हमने तो अभी कुछ टिकटॉक्स ही पोस्ट किए थे दो तीन, क्योंकि माइशर अपने काम में बहुत बिजी है, वो फैशन में काफ़ी है, मैं परफॉर्मेंस में काफ़ी हूँ, मैं डांस करता रहता हूँ, यहाँ वहाँ परफॉर्म करता रहता हूँ, बट जब हम साथ में कुछ भी पोस्ट करते हैं तो वो हमेशा बहुत आउट से नहीं निकलता, मतलब काफ़ी व्यूज़ आते हैं, लाइक इंस्टा पूरा एल्गोरिथम्स क्रैक करके वूम हो जाता है पूरा। सो आई एम प्लानिंग कि अगर मैं कुछ बनाऊँ तो कुछ अच्छा क्वालिटी का बनाऊँ। सो मैं खुद भी रैपर हूँ तो मैं अपने म्यूजिक वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ एंड माइशस में रहेगी, तो आई बिलीव कि इंडिया को वो जोड़ी हमारी जो अभी शो में पसंद आई वो आगे सोशल मीडिया में पसंद आएगी। बदनाम ट्रैक देखते ही मुझे तो जूनियर कबीर सिंह देखा अदनान के अंदर, जो आई थिंक काफ़ी अच्छी एक्टिंग किया अदनान ने उसके अंदर, उसका कम्प्लीटली डिफरेंट साइड देखने मिला हमको और सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा फ्रेश डिफरेंट सॉन्ग आया। सो मैं अदनान को बोलना चाहूँगा अदनान यू डिड अ फैबुलस जॉब, बहुत अच्छे लग रहे हो मूवी के अंदर और मतलब मेरे को गाना बहुत अच्छा लगा, कम मज़ा आ गया देख के, मैंने उसको मैसेज भी किया। राहुल की, अरे राहुल भाई के साथ में तो हमारा पुराना जर्नी है, उनका एक वीडियो बहुत वायरल गया था वो फ्रेंडशिप के ऊपर, तो उनका सॉन्ग को इंस्पायर होके मैंने कंटेंट बनाया था जो बहुत ज़्यादा वायरल गया था, तभी मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला था ये मेरा ट्रैक है और मैंने बोला था आपका ट्रैक बहुत ही अच्छा है लेट्स मीट टुगेदर, और हमने डिस्कस भी किया था हमारा भी कुछ जल्दी आने वाला है साथ में, तो मैं वो रिवील नहीं करना चाहता अभी, वो एक सीक्रेट है, थोड़े टाइम में आएगा आपको पता चल जाएगा। इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, उनकी वॉइस बहुत सोलफुल है, उसकी वजह से ही हम साथ में काम करने वाले बहुत जल्दी। अर्जुन के साथ वाला वायरल्स, उन्होंने नाम बताया कि मैंने अभी सब रिवील कर दिया। ओके मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, सो द ट्रैक इज बाय अर्जुन एंड प्रकृति कक्कर एंड इट्स गोना कम आउट आई थिंक ऑन द 20th ऑफ दिस मंथ, हाँ या इट्स ऑन द 20th ऑफ दिस मंथ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि उसमें हम लोग ने पहली बार स्टोरी स्टोरी नहीं किया है, जस्ट ऐसा बेसिक वीडियो किया है जिसमें काफ़ी क्यूट मोमेंट्स है और काफ़ी अच्छा शूट किया हुआ है वीडियो को, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आप लोग देख के बताना फीडबैक देना कैसा लगा आप लोगों को। मुझे सैड लव स्टोरीज बहुत पसंद है एंड वो हर किसी के लिए रिलेटेबल है आज के टाइम पे, सो आई रियली फाइंड इट वेरी नाइस एंड अगर ज़्यादा ध्यान से देती तो शायद रो देती। हाँ अदनान का काफ़ी डिफरेंट रोल देखने को मिला, लाइक उस एक ही सॉन्ग में काफ़ी उनके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स थे, कुछ लव कैरेक्टर में कुछ रोने वाले कैरेक्टर में, तो उनको देख के काफ़ी अच्छा लगा लाइक। काफ़ी एक्साइट थे सॉन्ग के लिए एंड आई एम श्योर ये गाना उनके एक्साइटमेंट से काफ़ी ऊपर जाएगा और सब कुछ निकल रहा है। हाँ तो यस कंग्रेचुलेशन अदनान, वेरी एक्साइटेड। राहुल तो वैसे काफ़ी अच्छा गाते हैं, लाइक मैंने उनके पहले भी काफ़ी गाने सुने हैं, सो काफ़ी यू नो एक काफ़ी मिक्सचर ऐड हो गया है उनका कैरेक्टर और राहुल का गाना, सो यस इट्स वेरी नाइस। हाँ एक्चुअली वो फेब फर्स्ट वीक में होने वाला था, बट आई गेस उसके पहले ही काफ़ी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे तो वो शूट हो गए, सो फेब एंड में मेरा प्रोजेक्ट शूट होगा और जैसे ही आने वाला होगा मैं सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगी।
सेम वन वर्ड आंसर कबीर सिंह, पूरा वाइब दे रहा है कबीर सिंह का एंड अदनान शाहिद लग रहा है। हाँ अदनान बहुत मस्त लग रहा है, एकदम रोहत सा कुछ नया सा चीज़ आया है, जैसे क्लासी म्यूजिक वीडियो से हट के कुछ रियलिटी की तरफ काफी। हाँ जैसे भारी ना क्लास में मतलब काफी रॉ लग रहा है ये, है ना, एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है। अरे बहुत अच्छा गाते हैं यार, बहुत अच्छा, मैंने इससे पहले नहीं सुना था लेकिन ये सेम मैंने नहीं सुना था बट इसके बाद आई लव हिज वॉइस, कभी साथ कभी काम करने का मौका मिले तो अच्छा है। हाँ मतलब प्यार वाले गाने वैलेंटाइन में रिलीज ना करें तो और कब करेंगे। हम फ्लाई कर रहे हैं कहीं के दिन में, वैसे वैलेंटाइन नहीं बनाने वाले क्योंकि पुलवामा अटैक, पुलवामा का दिन तो फॉर श्योर नहीं है, तो उस दिन हम ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट हमारे इंडिया के सोल्जर्स के लेते हैं, तो या कुछ वीडियो बनाएंगे। और उसके अलावा ये भी है, उसके अलावा हम कहीं जा रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जगह। अच्छा अच्छा बस यार, बस हमारे माँ बाप का करम है कि हमें इतने अच्छे फैंस मिले, इतने मतलब इतना प्यार करते हैं, मोर देन हमारी मेहनत आई गेस, हमारा लक और हमारे फैन का जो प्यार, लक बहुत कम है बट फैंस हमारे फैंस का प्यार है, लाइक हर प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट किया, हमें इतना सपोर्ट करते हैं और हर जगह बूम करते हैं हमें, तो बस बिग शाउट आउट टू आवर फैंस। आज हम तीन तिकाड़ा को एक साल कंप्लीट हुआ है, पिछले साल आज ही के दिन, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं और बहुत चीजों में आपको दिखेंगे हम बस ऐसा ही प्यार करते हैं, बस इतना बोला, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। रुला के गाइस को आप फैंस ने इतना बड़ा हिट बनाया, इसलिए हमने दो और म्यूजिक वीडियोज आने वाले हैं, तो हम शूट कर चुके हैं ऑलरेडी और रोने के लिए वापस तैयार रहिए और इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दिएगा, बस यही उम्मीद है। नहीं नहीं, एक इवेंट था WPP स्ट्रीम करके जो जयपुर में था, तो वो हमने एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साथ में अटेंड किया था, तो फैजो ने एज अ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड मी एज अ टिकटॉकर तो अटेंड किया था, तो वहाँ पे जब हम लोग मिले तो कोलैबोरेट किया, दैट्स इट। अच्छा मुझे बताओ वो कौन सा, वो जो अभी जिनसे बात हो रही थी वही, अच्छा हम लोग ने बहुत चिल किया विला में, मैं वैसे बहुत शांत रहता था विला में, लेकिन कैमराज पे तो काफी शांत रहता था, लेकिन ऑफ कैमरा मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था, तो शांत रहता था। हाँ नहीं, मेरा मुझे बस एक ही बार किसी ने उंगली की थी जो मैंने जवाब दिया था, बाकी तो मैं बहुत ही शांत था विला। वैसे तो ये बिल्कुल भी शांत नहीं रहता वैसे जनरली, वहाँ पे कोई दोस्त नहीं था, दो दोस्त थे मेरे जिंदगी में, तो वहाँ पे मेरी जान लोग नहीं थे, आशीष और मैं बहुत चिल करते थे विला में। थैंक यू सो मच। आपने ले रहे मैंने सुना, मुझे बहुत पसंद आया और जितना गाना पसंद आया उतनी मुझे वीडियो भी पसंद आई, बहुत अलग फ्लेवर आ रहा है वीडियो में, यू नो आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी अलग है जो हम वीडियोस आजकल देख रहे हैं उससे, तो आई पर्सनली लव इट। हाँ आई थिंक वो थोड़ा मिला रहे हैं लोग उसको, बट आई थिंक अदनान हैज एक्टेड रियली वेल, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी स्टोरी है और उनको परफॉर्म करने के लिए मिला आई थिंक विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि एक एल्बम में मोस्टली आपको इतना कुछ मिलता नहीं है अपने स्किल्स दिखाने के लिए, एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए, बट इसमें उनको पूरा मौका मिला और आई थिंक उन्होंने पूरा जस्टिफाई किया उसको। सो मुझे भी बहुत अच्छी लगी एक्टिंग भी और जो एल्बम है वो भी, सो क्या बोले, बिकॉज पहले अदनान भाई की कोई मतलब कि इतनी मतलब कि इंटेंस वाली नहीं आई थी, इंटेंस वाली एल्बम आई नहीं है, तो पहली ये आई है और बहुत अच्छी लग रही है।
आई नो मेरा तू आशिकी का टाइटल राहुल ने गाया था और आप सब जानते हैं वो टाइटल को कितना पसंद किया था तू आशिकी के लोगों ने और बस आई एम वेरी वेरी हैप्पी जब मुझे मैंने नाम पढ़ा कि उन्होंने गाना गाया था आई वाज रियली हैप्पी एंड या सो वी हैव कम टू विश देम ऑल द बेस्ट हाँ जी प्रोजेक्ट सारे हैं और सारे अपडेट जैसे हम आपको देते रहते हैं वैसे देते रहेंगे एवरीथिंग कमिंग वेरी वेरी सून एंड जिस तरह से आप लोग इतना प्यार देते हैं और हमेशा आते हैं हमें विश करने के लिए वी रियली होप कि उसमें भी आए दैट्स इट थैंक यू राम जी का नहीं नहीं हमने राम जी का गाना नहीं किया इस बार इस बार उनका गाना नहीं किया बस इंशाल्लाह थैंक यू